जिलाधिकारी जितेंद्र स्वामी की सराहनीय पहल, थाने में 80 कन्याओं को भोजन कराकर पुलिस वालों ने लिया आशीर्वाद। कामा के जुरहरा में रविवार को नवरात्रा के समापन पर थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी की नई पहल देखने को मिली, जहां पुलिस ने थाने में 80 कन्याओं को बुलाकर अपने हाथों से प्रसाद खिलाया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। थाना अधिकारी जितेंद्र स्वामी के अनुसार नवरात्र के समापन पर देवी स्वरूपों कन्याओं को भोजन खिलाकर उनसे आशीर्वाद लेना अच्छा लगा है। और राज्य सरकार की योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाना है। इतना ही नहीं, इन 80 कन्याओं को थाने सम्मान के साथ बुलाया गया और उनको भोजन कराया गया। उसके बाद उनको थाने का भ्रमण कराया गया, जहाँ थाने की कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया और उनको आत्म सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। कामा मेवात में जुरहरा थाने का है, जहां रविवार को नवरात्रा समापन पर देवियों की थाने में पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से सभी छात्राओं को आमंत्रित किया गया और उनको थाने बुलाकर उनको देवी का स्वरूप मानकर उनको खाना खिलाया गया। इतना ही नहीं, खाना खिलाने के बाद कन्याओं को 10-10 रुपये भेंट कर उनको पूर्ण सम्मान देकर उनसे आशीर्वाद भी लिया गया। अभी तक थानों में सिर्फ मुजरिमों को लाया जाता है, जहां आम आदमी भी जाने से डरता है, लेकिन रविवार को थाने में भक्तिमयी माहौल व कन्याओं को भोजन कराना और उनको देवी स्वरूप मानकर उनसे आशीर्वाद लेना, वाकई पुलिस की ये पहल भी सभी के लिए आश्चर्यपूर्ण थी। राज्य सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आज नवरात्रा के समापन अवसर पर राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आवासरत करीब 80 छात्राओं को आज थाना पर आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम उन्हें थाना की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई, थाना का भ्रमण कराया गया, वह आत्म सुरक्षा व उनकी स्वयं की सुरक्षा के बारे में उनको जानकारी दी गई। तत्पश्चात कन्या पूजन किया जाकर, देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया जाकर उनको भोजन करवाया गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त।